जो है जेहलम से कोई 20 किलोमीटर के फासले पे पिंडी रोड पे है और ये पिंडी से तकरीबन 80 किलोमीटर है ये फासला। यहाँ से हम जाएंगे किला रोहतास। किला रोहतास से यहाँ से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर गालबन दूर है, जिसके लिए हमने पता किया कि भाई यहाँ से क्या सवारी जाती है। तो लोगों ने ये बताया कि यहाँ से या तो आपको स्टेशन के पास से चांद गाड़ी मिलेगी या फिर यहाँ से डाज जाएगी। डाज का नाम सुन के हम परेशान हो गए कि ये डाज क्या चीज़ होती है। जब हमने चांद गाड़ी वाले से पता किया तो उन्होंने बताया कि 200 रुपये हम लेंगे आपसे। तो डाज का किराया पता किया तो 20 रुपये फी सवारी। डाज हम दिखाते हैं आपको, जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी ये डाज है, देखिए इसको, इसको कहते हैं डाज। ये सामने किला रोहतास का गेट है। ये किला जो है शेरशाह सूरी ने तामीर कराया था इसको। ये तकरीबन 4 किलोमीटर तक का एरिया इसके अंदर जो है कैद किया हुआ है, बनाया हुआ है इन्होंने। किले के बैरूनी जानब पे एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है। ये सामने इसकी मेन गेट है और यहां से रास्ता अंदर को जाता है। ये इसका मेन गेट है। किले के गेट से बाहर थोड़ा सा ये एक मकबरा सा नजर आएगा आपको। और ये रास्ता जो है दीना की तरफ, दीना शहर की तरफ जा रहा है। और इसकी दाएं साइड पे किला वाक्य है, किला रोहतास। इसकी हिस्ट्री इस बोर्ड पे लिखी हुई है। ये किला जेहलम से शुमाल मगरब में 18 किलोमीटर के फासले पर वाकई है। इसे 1542 हिजरी में फरीद खान अल मारूफ शेरशाह सूरी ने मुगलों की दोबारा आमद रोकने के लिए तामीर कराया था। इसका मुहीत 4 किलोमीटर है। किले की फसील पत्थरों की 2 या 3 तख्तों में है। दीवार की मोटाई ज़्यादातर 12.5 मीटर है और ऊंचाई 10 से 11 मीटर है। इसके 12 दरवाजे हैं और 18 बुर्ज हैं। किले के बाहर एक शाही मस्जिद और 2 डोलियां, यहाँ पढ़ा नहीं जा रहा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मान सिंह की मौजूद हैं। दरवाजे पर 32 अरबी व फारसी के कुतबे नस्ब हैं। चले आए, चलते हैं फिर इसके अंदर देखते हैं। ये सामने इसका मेन दरवाजा है।
ये इसके बैरूनी दरवाज़ा है जिससे अभी हम होके अंदर की तरफ आए हैं, और ये एक और गेट जो है यहाँ से अंदर रहता है। अभी हम किले के आ चुके हैं। किले के अंदर तकरीबन हर जगह पे लोगों ने घर बनाए हुए हैं, सरकारी दफ्तर हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में वाक़ है। और ये इसकी तारीख लिखी हुई है किला रोहतास की, और ये इसका नक्शा है।